कॉमेडियन सिद्धार्थ सागर को फिर लगी ड्रग्स की लत। पुलिस ने पाया नशे की हालत में, मां ने पहुंचाया रिहैब सेंटर। पास्ट में फैमिली पर लगाया था गंभीर आरोप। कॉमेडी सर्कस फेम सिद्धार्थ सागर को लेकर जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक एक बार फिर कॉमेडियन को ड्रग्स की लत लग गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सिद्धार्थ सागर को नशे की हालत में पाया, जिसके बाद पुलिस ने उनकी मां को फोन किया। पुलिस से बेटे की हालत के बारे में पता लगाने के बाद सिद्धार्थ सागर की मां ने उन्हें एक बार फिर रिहैब सेंटर में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सिद्धार्थ सागर की मां अलका सागर ने बेटे की हालत के बारे में बात करते हुए बताया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हैं। सिद्धार्थ की मम्मी ने कहा, मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आया था कि सिद्धार्थ सागर की हालत खराब है और उसे सिर्फ मेरा ही नाम और नंबर याद है। उन्होंने मुझे उसे वहां से ले जाने के लिए कहा। उसका कोई दोस्त या शुभचिंतक उसके मदद के लिए आगे नहीं आता, हमेशा उसके माता पिता ही रहे हैं, लेकिन उसने अपने परिवार के महत्व को कभी नहीं समझा। मैं उसकी माँ हूँ और चाहती हूँ कि वो इस स्थिति से बाहर निकले। पहली बार 2018 में सिद्धार्थ सागर के ड्रग्स लेने की खबर सामने आई थी। तब मीडिया से बात करते हुए सिद्धार्थ ने अपने परिवार और माँ पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। कॉमेडियन का कहना था कि उनकी माँ उन्हें ड्रग्स देती थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी माँ पर मारपीट, मेंटल टॉर्चर और उन्हें कैद करके रखने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं आपको बता दें कि उन पर उनकी मंगेतर सुबोही ने भी डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया था, जिसके बाद दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। क्या कहना है आपका इस खबर पर? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू डेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।